बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय। सर टाइम कितना हमारा है? आपका टाइम 7 मिनट। ओके धन्यवाद सर। मैं अपनी पार्टी की लीडर आदरणीय बहन जी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे आयुष मंत्रालय के कार्यकाल की चर्चा पर बोलने के लिए अधिकृत करने का काम किया। माननीय उपसभापति महोदय, भारत में आयुष से संबंधित आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा आज से संबंधित पद्धतियों का इतिहास गौरवशाली इतिहास रहा है। हमारे सदन में भी और सदन से बाहर भी, और खासतौर से हमारी जब से एनडीए की सरकार इस देश में बनी है, तब से भारत में इस सरकार में बैठे लोगों ने भारत के अतीत क्या है के गौरवशाली इतिहास का गुणगान तो किया, लेकिन अतीत के उस गौरवशाली इतिहास को प्राप्त करने के लिए जो कार्य करने चाहिए थे वो अभी तक नहीं किए गए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आज ही आयुष मंत्रालय से संबंधित जो चर्चा हो रही है, अगर हम वास्तव में अतीत की इस चिकित्सा पद्धति को, जो भारत की चिकित्सा पद्धतियों में प्रमुख रही है, चाहे आयुर्वेद हो, उसके लिए जो बजट एलोकेशन है वो 130 करोड़ की जनसंख्या वाले देश के लिए बहुत कम है। अगर हम कहें ऊंट के मुंह में जीरा तो इसे अतिशयोक्ति नहीं कहा जाएगा। जहां तक आयुर्वेद का प्रश्न है, भारत में आयुर्वेद का इतिहास बहुत पुराना है। भारत में सर्जरी, जो फादर ऑफ सर्जरी हम कहते हैं, सुश्रुत थे जिन्होंने पहला मोतियाबिंद का ऑपरेशन भारत में किया। फादर ऑफ मेडिसिन के रूप में हम चरक को जानते हैं, उनके बारे में चर्चा होती रहती है और हुई भी है। चरक संहिता का नाम विशेष रूप से प्रतिष्ठित इसलिए है क्योंकि चरक ऋषि ने, जो उच्च कोटि के वैज्ञानिक थे, उन्होंने वनस्पति विज्ञान से दवाइयों का बना करके चिकित्सा पद्धति को बढ़ाने का काम किया। लेकिन माननीय उपसभापति महोदय, जब हमारे देश में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के आगे बौनी साबित हो, छोटी साबित हो, यूनानी के डॉक्टर, होम्योपैथिक के डॉक्टर, जैसा कि हमारे वरिष्ठ में खासतौर से माननीय जयराम जी ने और शांतनु सेन जी, डॉक्टर शांतनु सेन जी ने जो चर्चा की कि एक तरफ तो हम इन पद्धतियों को बढ़ाने की बात करते हैं और इन पद्धतियों को के प्रचार प्रसार की बात करते हैं, आयुष मंत्रालय का गठन किया। उस आयुष मंत्रालय के माध्यम से जो डॉक्टर्स इस देश में हैं, उस आयुष मंत्रालय के अधीन, उनकी संख्या देश की आबादी के अनुपात में बहुत कम है। दूसरा, जो पूरे देश में और खासतौर से उत्तर भारत क्षेत्र में, जो भारत के उत्तर हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में अगर हम देखें तो जो अस्पताल हैं, आयुर्वेदिक अस्पताल जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, यूनानी अस्पताल जो सेमी अर्बन क्षेत्रों में हैं, होम्योपैथिक के अस्पताल जो पीएससी हैं या सीएससी पे जो उनके डॉक्टर पोस्ट हैं, सीएससी पे जो आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए जो कमरा दिया जाता है वो शायद सबसे जीड़ सीड़ अवस्था वाला कमरा उस डॉक्टर को दिया जाता है। क्योंकि मैं पैरामेडिकल का स्टूडेंट रहा और मैंने उत्तर प्रदेश सरकार में नौकरी की है, मैं वहां की आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक और यूनानी के जो चिकित्सक पोस्ट रहते हैं उनकी स्थिति को मैंने आंखों से देखा है। गांव में जो पीएससी आयुर्वेदिक की होती हैं, होम्योपैथिक की होती हैं, उन पीएससी सीएससी में की अवस्था जीर्ण शीर्ण अवस्था होती है। वहां पर जो डॉक्टर हैं वो, वहां पर जो उनके डिपार्टमेंट के फार्मासिस्ट हैं, वो हफ्ते में दिन बांट लेते हैं कि 3 दिन आप आना, 3 दिन हम आएंगे और अस्पताल कंटिन्यू चलता रहे। ये प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रहा हूं माननीय मंत्री जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को,
ये उत्तर प्रदेश के 100 में से 80 आयुर्वेदिक होम्योपैथिक और यूनानी अस्पतालों की स्थिति है।